विर्क हॉस्पिटल जलंधर जो एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है बेल आपवन के इलाज के लिए, मैं उसका साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। और ये जो संस्था हमने खोली है विर्क फर्टिलिटी सर्विसेज, ये 23-24 साल पुरानी संस्था है एंड वी आर रनिंग दिस फॉर द लास्ट 22-23 ईयर्स। ये खोलने का मकसद हमारा ये था कि पहले आज से 20-22 साल पहले लोग बेल आत्मन के इलाज के लिए बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, कैलकाटा जाते थे पंजाब से। तो हमारी कोशिश थी भी उनको वो सुविधाएं, जिसके लिए उस वक्त यहाँ नहीं थी उपलब्ध ये आईवीएफ टेक्निक्स, तो ये सुविधाएं हम उनको यहीं पंजाब में दें, क्योंकि इतनी दूर जाना और फिर 1.5-2 महीने वहाँ रहना उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात होती थी, खर्चा भी बहुत हो जाता था और एक सिटी में जाके इतनी देर रहना काफ़ी तकलीफदेह होता था। तो हमने आज से 22-23 साल पहले विर्क फर्टिलिटी सर्विसेज, विर्क हॉस्पिटल सेंटर फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये खोला और तब से लेके अब तक हम हजारों ही बेल और जोड़ों को संतान सुख की प्राप्ति करवा चुके। I am Dr. Anupma Chopra, working as an infertility expert in Virk Fertility from last 10 years. I am a senior consultant. I am Dr. Gaurav Deep Singh Virk. I am the IVF coordinator in this hospital. I coordinate with patients who are coming from overseas countries such as Australia, UK, America, Canada, Nigeria, South Africa, Pakistan. We have patients from all these countries who have already taken IVF treatment in their own countries and now they are coming to our center for their treatment. I am Dr. Sarabjit Singh and I am working as an infertility specialist here in Virk Fertility Center. It's one of the, I would say not Punjab's but Asia's leading IVF center. So my pleasure working over here. विर्क हॉस्पिटल जलंधर जो कि बे औलादपन के इलाज का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, यहाँ बे औलादपन के इलाज की कोई भी प्रॉब्लम हो उस हर प्रॉब्लम की सुविधा हमारे यहाँ है। सिंपल टेक्निक्स जैसे IUI इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन से लेके IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, ICSI ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये पहली ICSI बेबी जो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की, वो भी हमने हमारे केंद्र ने आज से 14-15 साल पहले 2000 में दी थी। तो ICSI के अलावा स्पर्म फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, डोनर स्पर्म प्रोग्राम, डोनर एग प्रोग्राम और डोनर एम्ब्रियो प्रोग्राम और सरोगेसी, ये सारी सुविधाएँ और इनफर्टिलिटी सेंटर से रिलेटेड हार्मोनल
स्टडीज़ के लिए एक हमारे पास जो लैब है वो अंतर्राष्ट्रीय लैब है जहाँ के जितने भी हार्मोनल प्रोफाइल्स हैं वो उसी दिन हम रिपोर्ट दे देते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमारे इस केंद्र में उपलब्ध है। विर्क फर्टिलिटी सर्विसेज हाबुद से कि एशिया की, जैसे मैंने बताया है कि एक सबसे बड़ी IVF की ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले 25 सालों से, रादर हो सकता है 30 सालों से ही एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेडली इनफर्टिलिटी का काम कर रहे हैं और थाउजेंड्स एंड मल्टी थाउजेंड दे हैव यू नो गिवन द सक्सेसफुल बेबीज टू द पेरेंट्स। यहाँ पे क्लिनिक में स्टार्टिंग फ्रॉम IUI, IVF एंड ICSI, हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, ज़्यादातर हमारे जो पेशेंट्स हैं वो ICSI टेक्निक पे ही जाना चाहते हैं। इसका कारण है कि IVF में बच्चा ठहरने का चांस 30-40% है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ICSI में, जो कि हमारे सेंटर का सक्सेस रेट, बच्चा ठहरने का जो दर है वो 50-70% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हाई है एज कंपेयर्ड टू द सेंटर्स इन ऑस्ट्रेलिया, UK, कैनेडा। हमारा जो सक्सेस रेट बाकी इन सब केंद्रों से बहुत ही ज़्यादा है। एम तो हमारे हॉस्पिटल का यही है भी जितने भी बे औलाद इनफर्टाइल कपल्स हमारे केंद्र में आते हैं वो यहाँ से इलाज करवा के संतान सुख की प्राप्ति करके जाएं। पर इसके अलावा हमारी कोशिश ये है कि जैसे अभी दिस इज़ ए 4-story बिल्डिंग, तो पेशेंट को ऐसे महसूस हो कि कोई उसको दिक्कत ना आए, उनके बैठने के लिए हमने एक बहुत खुली और अच्छी जगह बनाई हुई है, वेयर दे फील कंफर्टेबल, और जहां उन्हें किसी भी ये ना महसूस हो कि वो हॉस्पिटल में आ गए हैं। फ्रंट डेस्क पे जो लोग हैं दे आर वेल क्वालिफाइड कि वो जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको प्रॉपरली डील करें और एक परिवार की तरह ही उन्हें उनके साथ बिहेव करें। और जितनी भी फैसिलिटीज हैं IVF, ICSI और ये, हमारा केंद्र हिंदुस्तान में एकमात्र केंद्र है जो NABH accredited है। सक्सेस रेट ऑफ द सेंटर, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेगमेंट्स इज, अदर IVF क्लिनिक्स इज दैट द सक्सेस रेट ऑफ आवर सेंटर इज वेरी हाई। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, इट इज एज फार एज ICSI इज कंसर्न्ड, इट इज एज हाई एज 70%। एंड द एक्सपर्ट्स ओवर हियर in the on the clinical side, on the embryological side, and on the path lab side and endoscopy side, they are leaders and national and international authorities in their field. Basically, our center deals with the patient in one-to-one basis. Basically, what other centers are doing is that they are making protocols for the patient, and all the patients, they usually give the same kind of treatment. But here we do the individualization of the treatment. इंडिविजुअलाइजेशन मीन्स हर एक पेशेंट को हम उस पेशेंट के अकॉर्डिंगली डोज देते हैं, उस पेशेंट के अकॉर्डिंगली डील करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आजकल हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जो मल्टीपल फेलियर्स हैं, बहुत सेंटर से फेलियर होके आए हैं। दोज पेशेंट्स आर दे आर पुट इन अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ रेकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर, एंड देर आर मेनी अदर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स इन दिस सेंटर। सो बेसिकली द सक्सेस रेट इन आर सेंटर इज वेरी वेरी हाई। Uh,
हमारे जो इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं वो ऑलरेडी बाहर एक या दो आईवीएफ के साइकिल करवा के आते हैं, तो उनका अभी जब हमारे पास वो पहुंचते हैं तो दे एक्सपेक्ट कि हम भी उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तरह ही जो उनके ट्रीटमेंट बाहर किए गए हैं उसी के द्वारा किया जाए। तो अभी फ्यूचर प्लानिंग में ये है कि हम पेशेंट के कंफर्ट को ज़्यादा मद्देनज़र करेंगे, उनका ज़्यादा उनको कंफर्टेबल एक ट्रीटमेंट का पार्ट देंगे। फ्यूचर में हमारे हॉस्पिटल की जो नेक्स्ट बिल्डिंग है वहाँ पे हम एक टॉप ऑफ द रेंज मैटरनिटी सेंटर खोलने जा रहे हैं कोई 6 महीने के में। तो फ्यूचर के अभी हमारे प्लान्स यही हैं और यही मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पेशेंट हैं सब यहाँ से बच्चा लेके जाएं और अपनी फैमिलीज़ को कंप्लीट करें। Well, I'll just ask the patients जो भी बेलौलापन की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं कि वो कभी भी उन्होंने इलाज कराना है तो सबसे पहले वो ये देखें भी जिस केंद्र में वो जा रहे हैं वो उसका मयार क्या है, वहाँ क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं और उस केंद्र का सक्सेस रेट क्या है, ये देखें फिर ही अपना मन बनाएं कि उन्होंने बेलागपन का इलाज किस केंद्र से करना है। See, don't get trapped in the hands of quacks. Please, if you are suffering from infertility, go to a proper doctor and get a proper consultation. मैं ये कहूँगा कि आजकल मशरूमिंग है IVF सेंटर्स की, तो एक तो अपना जो है ऑनलाइन जो चेक करते हैं आप चीज़ें जो आप अपने आप से गूगल करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ में रिस्ट्रिक्ट करें और एक प्रोफेशनल की हमेशा एडवाइस लें। जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और अगर आप 1 साल में 2 साल में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो रादर देन ट्राइंग बाय योर ओन ऑन द गूगल ट्राई टू मीट टू अ प्रोफेशनल जो आपको एक अच्छी तरह से एडवाइस कर सके सो दैट द थिंग दैट यू एक्चुअली वर लुकिंग फॉर इज मेट विद।